हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या पढ़ रहे थे, लिगैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड होता है उसका थोड़ा आगे देखेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी बेस्ड ऑन व्हाट चार्ज देख लिया, बेस्ड ऑन डेंसिटी भी देख लिया। ठीक है, तो हम लोग ने अब तो मोनो से हेक्सा तक देख लिया था। ठीक है, तो आज में क्या करेंगे, उसी लेसन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस लेसन को भी ठीक आगे की तरफ पूरा फ्रेश होके बैठ के, पानी पुनी पी के, पूरा सुस्त दिमाग में बैठ के देखना है, और क्या करना है, लास्ट तक देखना है, होगा। और क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, दर्जा खिड़की बंद करके इधर उधर नहीं देखने का, ओनली मुझे देखने का और बोर्ड को देखने का। ठीक है, होगा। तो चलो आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं नया लेसन, और एक मजा। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिगेंड है, दैट इज व्हाट, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखो, फ्लेक्सिबल क्या होता है, मतलब आप जिसको किसी भी जगह में यूज कर सकते हो, मतलब जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे तुम फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, हो ना, हाँ, घर में बेटा हो, स्कूल में स्टूडेंट हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने क्या हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग हो। ठीक है, वही मतलब यू आर ए फ्लेक्सिबल पर्सन। तो लाइक दैट दोस लिगेंड हुईज आर फ्लेक्सिबल, मतलब कभी कभी ये मोनोडेंटेड भी बिहेव करेगा, कभी कभी ये बाइडेंटेड भी बिहेव करेगा, और अलग अलग डेंटिसिटी दिखाएगा। तो दैट टाइप ऑफ लिगेंड विल बी सिंपली नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, देखो ये एक SO4 2-। ठीक है, SO4 S कितना है 4 2-। यहाँ पे बाइंडिंग साइड कितना है, एक है और दो है, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए बाइडेंटेड आयन। और यहाँ पे देखो यहाँ पे दो आयन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओनली एक ही साइड से बॉन्ड होता है। कैसे होता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल फिलहाल आप ये याद रखिए कि इट इज बिहेविंग लाइक ए मोनोडेंटेड आयन। ठीक है, एक ही आयन, एक बार बाइडेंटेड आयन जैसे बिहेव कर रहा है, एक बार मोनोडेंटेड आयन जैसा बिहेव कर रहा है। सो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ए बाइडेंटेड सॉरी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, उसके पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो, 1, 2, 3 लिख लिया, ओके गुड। तो चलो हम लोग और भी कुछ मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं अबाउट दिस व्हाट फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सपोज मैंने और एक कंपाउंड लिया, सपोज CO, CO क्या होता है, CO क्या होता है, कोबाल्ट। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिगेंड लिया, NH3, यहाँ पे NH3 लिया, कितना बार, 4 बार। उसके बाद मैंने क्या लिया, CO4 भी ले लिया, और बाहर में मैंने क्या दिया, CO3 ले लो, तो ज़्यादा अच्छा होगा, CO3 बाहर में, ब्रोमीन ले लो। ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व हियर दिस CO3 2-, मतलब ये जो कार्बोनेट आयन है, इट इज़ बिहेविंग लाइक ए बाइडेंटेड। क्या बिहेव कर रहे हैं, बिहेविंग लाइक ए बाइडेंटेड लिगेंड, हो गया। ये यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा है। अगर इसी को मैंने क्या लिया, CO NH3, मैंने यहाँ पे NH3 कितना बार ले लिया, 5 बार ले लिया। यहाँ पे मैंने NH3 को कितना बार ले लिया, 5 बार ले लिया, ओके। और यहाँ पे मैंने CO3 भी ले लिया और ब्रोमीन भी ले लिया। देखो क्या है लिखा, कोबाल्ट एमोनिया कितना बार है, 5 बार, CO3 एंड बियर। बट इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे जो ये CO3 है ना, यहाँ पे जो CO3 2- है, इट इज़ बिहेविंग लाइक ए मोनोडेंटेड। क्यों मोनोडेंटेड बिहेव कर रहे हैं, वो आपको आगे आगे पता चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सब, ये भी, ये कार्बोनेट भी, ये क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। तो
लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। इस कार्बोनेट के अलावा भी और भी दो तीन मतलब क्या है लिगेंड है जो फ्लेक्सीडेंटेज से बिहेव कर सकते हैं, जैसे NO3 नेगेटिव ये भी फ्लेक्सीडेंटेज से बिहेव कर सकता है। उसके अलावा भी अगर तुम लोग क्या ले लो एसीटेट ले लो CH3 CO नेगेटिव ये भी क्या हो सकते हैं एक फ्लेक्सीडेंटेज जैसा बिहेव कर सकता है। उसके अलावा भी मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ H2O3 नेगेटिव H2O3 यहाँ पे टू नेगेटिव ले लो ठीक है। तो दीज थ्री ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। आई थिंक सबको समझ में आया होगा क्योंकि तुम फ्लेक्सीबल हो और ये भी फ्लेक्सीबल है और फ्लेक्सीबल में क्या होता है सिमिलरिटी होता है मतलब बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियसली यू कैन रिमेंबर इट इजीली। ओके फ्लेक्सीडेंटेड के बाद और भी एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसको सिलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है सिलेटिंग लिगेंड और कोई कोई इसको किलेटिंग भी बोलता है कोई भी बोलो मुझे मेरा ऐसे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है मैं इसको क्या बोलता हूँ सिलेटिंग ओके सिलेट लिगेंड और किलेट लिगेंड भी बोल सकते हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये क्या होगा ऐसा टाइप का लिगेंड जो क्या फॉर्म कर सकते हैं ऐसा टाइप का रिंग फॉर्म कर सकते हैं मतलब रिंग फॉर्म कर सकते हैं। एनी लिगेंड दैट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म रिंग एनी टाइप ऑफ लिगेंड दैट हैव एबिलिटी टू फॉर्म रिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया देखो दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज सिलेटिंग लिगेंड ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो इसका बस एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। सब कुछ क्या था EDTA और EDTA क्या है इसके बारे में मैंने लास्ट लेसन में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया हो गया। तो चलो उसके बाद मैं अभी जो थर्ड वाला बोलने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है। तो दिस इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड राइट नंबर थ्री एम्बिडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज दिस आफ्टर लर्न वॉचिंग फुल वीडियो यू ऑल्सो यू ओनली एबल टू अंडरस्टैंड। देखो एम्बी जैसे एम्फीबियस एम्बीऑक्सियस एम्बिडेक्स्ट्रस जो इंसान दोनों हाथ से एक साथ लिख सकते हैं दे आर नोन एज एम्बिडेक्स्ट्रस ठीक उसी तरह देखो अगर तुम दोनों हाथ यूज कर रहे हो सपोज आई हैव टेकन टू पेंसिल मैं इससे भी लिख सकता हूँ इससे भी लिख सकता हूँ मतलब इट डिपेंड्स ऑन मी कभी कभी मैं ये हैंड भी यूज कर सकता हूँ मैं ये हैंड भी यूज कर सकता हूँ समझ में आया। मतलब आपके पास दो बाइंडेड साइड होगा लेकिन आप एक साथ दोनों को यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो ओके। तो दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन वो मैं करते जाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले लिखिए क्या मोनोडेंटेड एम्बिडेंटेड मतलब ये क्या है मोनोडेंटेड भी है मतलब इसके पास दो हाथ है मोनोडेंटेड मतलब ये एक साइड में बॉन्ड फॉर्म करेगा लेकिन ये क्या है एम्बिडेंटेड है मतलब इसके हाथ दो ही है और दोनों हाथ ही यूजेबल है ठीक है। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल दैट इज व्हाट यू नो ऑल दिस इज वेरी फेमस दिस इज व्हाट सपोज साइनाइड ले लिया मैंने लेकिन यहाँ पे मैंने क्या क्या कार्बन को एज ए बाइंडिंग साइट यूज किया ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे बाइंडिंग साइट क्या बन गया नाइट्रोजन बन गया यहाँ पे ना बाइंडिंग साइट क्या बन गया नाइट्रोजन ठीक है। तो इफ इट इज कार्बन इट इज कॉल्ड साइनाइड इफ इट इज नाइट्रोजन इट विल बी नोन एज आइसोसाइनाइड है कि नहीं हो गया। तो और भी लिख सकते हो सपोज मैंने क्या लिया सपोज इस सल्फर उसके साथ मैंने क्या किया कार्बन का बॉन्ड किया थायोसाइनाइड दिस इज व्हाट थायोसाइनाइड लेकिन मैंने यह क्या कर दिया सपोज सल्फर कार्बन मैंने लेकिन इस बार नाइट्रोजन को यूज़ किया यहाँ पे क्या इसको यूज़ किया था सल्फर को यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को एज ए डोनर एटम यूज़ कर दिया। देखो एक बार सल्फर हो गया इसलिए थायोसाइनाइड लेकिन यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोजन इसलिए दिस इज व्हाट आइसो थायोसाइनाइड ओके ठीक। इसी तरह और भी कर सकते हो जैसे NO यहाँ पे डबल बन यहाँ पे मैंने क्या किया सिंगल बन कर दिया यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर दिया तो हियर द बाइंडिंग साइट इज नाइट्रोजन। बट व्हाट कैन यू डू इट लाइक दिस ऑल्सो
यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को बाइंडिंग साइड बना दिया, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो लोन पेयर है इट इज़ अनयूज्ड, बट इसका जो लोन पेयर होगा दैट इज़ यूजिंग हेयर होगा। तो देखो एक ही लिगेंड का दो दो बाइंडिंग साइड होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं एक ही टाइम में एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए दीज आर मोनोडेंटेड, एक ही डोनेशन करता है, लेकिन इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट फ्रॉम टू डोनर एटम, सो दीज आर नोन एज मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड। लेट टेक्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिगेंड। तो ये मैं कैसा वाला लिगेंड लूँगा, बाइडेंटेड होगा, मतलब एक साथ दोनों हाथ के यूज करेगा, और एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंट मतलब तुम्हारे पास दोनों हाथ है लेकिन तुम हमेशा ये वाला हाथ से खाना खाते हो, ठीक है, कभी कभी ये वाला हाथ से भी खाना खा सकते हो, लेकिन तुम अभी क्या करना चाहते हो, मैं क्या करूँगा मुझे जल्दी जल्दी खाना है, ठीक है। देखा ना जो स्टिक लेके जो चाइनीज लोग और ये जो खाता है ऐसे करके, ठीक उसी तरह, मतलब यू आर यूजिंग योर बोथ हैंड, लेकिन बात यही है कि ये एम्बिडेंटेड है, एम्बिडेंटेड मतलब यू हैव ऑप्शन। यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लोन पे डोनेट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज ए बाइडेंटेड, लेकिन इसके पास क्या है सल्फर भी है, इसके पास ऑप्शन है, ये सल्फर भी क्या कर सकता है कभी कभी डोनेट कर सकता है, तो इट इज ऑल्सो ए एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है bidentate and ambidentate ligand. Can you tell me the name of this compound? Can you anybody? Dithioxalate. देखो यहाँ पे अगर कार्बन होता, सब कुछ ऐसा करके मैंने दिखाया था पहले, ये क्या था ऑक्सालेट, ये ऑक्सालेट आयन था, ठीक है, इस ऑक्सालेट को क्या कर दिया सल्फर से रिप्लेस कर दिया, तो जब भी कोई सल्फर किसी को रिप्लेस करेगा तो वहाँ पे क्या आएगा थायो ऑर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा डाई, कितना है डाई थायो ऑक्सालेट, ठीक है। तो मोटा मोटा करके यही था ऑल अबाउट लिगेंड्स, और भी बहुत टाइप का लिगेंड्स है, लेकिन हम लोगों को इतना टाइम में इतना इन डेप्थ में जाने से हम लोगों को क्या होगा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो लिगेंड के लिए इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, अगर आपको अभी भी भूख है, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री टू लर्न अबाउट लिगेंड, लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस लिगेंड, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग लिगेंड ख़त्म कर दिया। अभी भी अगर किसी को लिगेंड के ऊपर कोई भी डाउट है, फील फ्री ऑलवेज टू शेयर विथ मी एनी टाइम एनी वेयर, ओके। तो चलो अपना ख्याल रखना, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना सिचुएशन चल रहा है, इसलिए अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना, पानी ज़्यादा पीना और इम्यूनिटी बूस्टर वाला जो फूड्स है वो ज़्यादा खाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा सोना, ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करने का, और सोने के टाइम में मोबाइल को दूर में ही रखने का, और लाइट्स भी ऑफ करने का, ठीक है। टिल देन बाय बाय, गुड।